शुक्रिया। आदरणीय अध्यापक गण और प्रिय विद्यार्थियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस छोटे समारोह में मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। मेरी कविता हिंदी में है, इसलिए हिंदी पर कुछ कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उसमें अनुच्छेद 340 में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और उसके साथ साथ 15 साल तक अंग्रेजी भारत की सह राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि हमने हिंदी को समेट कर एक तरफ रख दिया है और अंग्रेजी को अपनी कार्यकलाप की भाषा बना लिया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत के ही अधिकतर विश्वविद्यालय में हमें हिंदी में एग्जाम भी नहीं लेने मिलते हैं। कुछ उन महापुरुषों के लिए कहना चाहता हूँ जो हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहकर उसके बीच दरार डालना चाहते हैं, उसे अलग अलग भाषा कहते हैं, उनके लिए एक शेर है कि शान-ए-समदार जेसू से मतलब मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब, ख्याल अच्छे तो बोली भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। आप लोग माशाल्लाह अंग्रेजी के काफी विद्वान हैं, अपने अपने सब्जेक्ट सबको महारत हासिल है, लेकिन आपको एक राय दूंगा सभी लोगों को कि हिंदी लिटरेचर भी पढ़िए, खास करके प्रेमचंद को पढ़िए। प्रेमचंद को नहीं पढ़िए, प्रेमचंद के उपन्यास को ही पढ़िए। आप गोदान को पढ़िए, अगर कोई पोएट्री में इंटरेस्ट रखता है तो आप निराला को पढ़िए, नागार्जुन को पढ़िए, केदारनाथ अग्रवाल को पढ़िए। आपको संवेदनशीलता क्या होती है आपको पता लग जाएगा। किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको डिसेबल लोगों की मदद करनी चाहिए, आपको जो बेसहारा की मदद करनी चाहिए। हिंदी पढ़ने वाला स्टूडेंट खुद ही सब चीजें सीख जाता है। अब मैं अपनी कविता पर आता हूं। हमारी कविता का शीर्षक है एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात है निराली। ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सारे विषयों की पढ़ाई होती है, विषय में सब्जेक्ट। ठीक उसी तरह जिस तरह की स्कूल में सारे विषय की पढ़ाई होती है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, उसी तरह इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की लाइफ को मैंने स्कूल लाइफ की तरह एंजॉय किया है। उसमें दो तीन लाइन है कि सभी विषयों का होता है यहाँ संगम, सभी विषयों का होता है यहाँ संगम, जाति पाति ऊंच नीच का नहीं है यहाँ कोई बंधन, यहाँ पर सबकी आत्मा है समान भाव वाली, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात है निराली। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात है निराली। अगली राय में कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि खिलती है यहाँ कलियां हर पल, खिलती है यहाँ कलियां हर पल, चाहे जहाते हैं पक्षी यहाँ हरदम, चाहे जहाते हैं पक्षी यहाँ हरदम, पतझड़ सावन हो बसंती अबहार, पतझड़ सावन हो बसंती अबहार, हर मौसम रहती है यहाँ हरियाली, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात निराली। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात है निराली। हमारा युवा वर्ग कितने भी इंटेंशन रखता है कोई नई फिल्म आई जरूर देखी जाएगी, तो उससे दूसरी लाइन है मिस्टर नारायण शंकर बसते हैं यहाँ, मिस्टर नारायण शंकर बसते हैं यहाँ, मिस्टर राज आर्यन अपनी कहानी रचते हैं यहाँ, मिस्टर राज आर्यन अपनी कहानी रचते हैं यहाँ। इस विभाग की पहचान है फिल्म मोहब्बते के उर्कुल वाली एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात मिला, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात मिला। अगली लाइन दो लाइन हमारे चेयरमैन सर नबी अहमद सर जो यहाँ पर उपस्थित भी नहीं है, और हमारी मैं सुनीता के लिए है कि नबी अहमद सर के जज्बे की कोई मिसाल नहीं, नबी अहमद सर के जज्बे की कोई मिसाल नहीं, सुनीता बन की महानता का कोई जवाब नहीं, सुनीता बन की महानता का कोई जवाब नहीं, इन्होंने तो प्रकृति को ही टक्कर दे डाली, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हर बात है निराली। अगली दो लाइन मेरी दोस्ती पर है कि दोस्त हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होते हैं,
माँ बाप अपना सपना पूरा करने के लिए या हम माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए घर से बाहर चले आते हैं, लेकिन उस सपने को पूरा करने में दोस्त बहुत ही उपयोगी भूमिका निभाते हैं। बचपन दोस्त अच्छे हों तो एक खूबसूरत तोहफा होते हैं दोस्त, एक खूबसूरत तोहफा होते हैं दोस्त, कुछ ना करके भी कर जाते हैं दोस्त, कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर जाते हैं दोस्त। दोस्तों के बगैर यहाँ ना होती है ईद और ना ही दिवाली। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हरवा से दिवाली, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हरवा से दिवाली। अभी कुछ देर बाद फिर आऊंगा।